क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें यह कहा जाता है कि शो दैट ए वन ए टू ए थ्री ए एन फॉर्म एन ए पी वेयर ए एन इज डिफाइंड एज बिलो। ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 + 4n और दूसरा पार्ट है 9 - 5n। पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, ए एन की वैल्यू दी है 3 + 4n और उसके बाद उसके साथ एक क्वेश्चन है उसी का पार्ट है कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स इन ईच केस। तो पहले हमें ये बताना है कि ए एन की वैल्यू 3 + 4n है दिया हुआ है तो ये ए पी में है, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि एक ये कहा जाता है कि इसमें जो ए पी में अगर हैं तो उसमें 51 टर्म्स का सम निकालना है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि 3 + 4n एक्चुअली है क्या और कहाँ से आया है, राइट। तो उसके लिए हमें एक सीक्वेंस लेना पड़ेगा, एक ए पी। तो एक ए पी ले लेता हूँ मैं, 3, 7, 11, 15, 19, 21, 25, ये ए पी में है, कॉमन डिफरेंस 4 का डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है और कॉमन डिफरेंस हमें पता है a2 - a1, तो कॉमन डिफरेंस है 7 - 3 = 4। तो एक सीक्वेंस हमें दिया हुआ है या एक ए पी दिया हुआ है जिसमें ए पी अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब हमें ये भी पता है कि ए की वैल्यू क्या है और कॉमन डिफरेंस भी क्या है। अगर इसमें मैं कहता हूँ कि 50th टर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए 50 निकालेंगे। अगर ए एन का हमारे पास फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, राइट। अगर मैं ये कहता हूँ कि 10th टर्म निकालना है, इस सीक्वेंस का 10th टर्म निकालना है, तो हम n की वैल्यू हम क्या कहेंगे, 10 है और a और d ये हम यूज़ करके निकालेंगे। a10 = a मीन्स 3 + n की वैल्यू 10 है, 10 - 1 और d की वैल्यू कितनी है 4, तो हम क्या निकालेंगे, 3, 10 - 1, 9 × 4, राइट। 3 + 9 = 36 और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 39। तो अगर हमने कहा कि इस सीक्वेंस का, इस एपी का 10th टर्म निकालना है तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 39 हो गई। अगर मैं कहता हूँ कि 100th टर्म निकालना है तो ए 100 निकालेंगे तो उसकी कोई वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह हमें ये कहा जाता है कि इस सीक्वेंस का हमें anth टर्म निकालना है, anth टर्म, इसका मतलब n की वैल्यू हमें नहीं पता लेकिन हमें a और d पता है। तो anth टर्म जब निकालने को कहा जाता है तो a और d की वैल्यू पता है लेकिन n की वैल्यू नहीं पता है। तो an = a की वैल्यू हमें पता है 3 + n की वैल्यू नहीं पता है इसलिए n के जगह पे n ही रहेगा, तो n - 1 और d की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 4, तो 4 हमने निकाल लिया। तो 3 + 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 4n - 4 को 1 से करेंगे 4, तो क्या होगा, 3 - 4 कितना होगा, -1 और +4n, तो 4n - 1, तो ये ए एन की वैल्यू हो गई 4n - 1। इसका मतलब ये हुआ कि 4n - 1 इस सीक्वेंस का या इस ए पी का जनरल फार्मूला है, राइट। ये जो ए एन है वो सिर्फ इसी ए पी को रिप्रेजेंट करेगा, किसी और ए पी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 डालेंगे तो इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म होगा, n की वैल्यू 2 डालेंगे तो सेकेंड टर्म होगा, n की वैल्यू 3 डालेंगे तो थर्ड टर्म होगा। चेक करते हैं इसको, अब हमें क्या दिया हुआ, ये ए पी नहीं दिया हुआ है लेकिन ये जो एक जनरल टर्म है किसी न किसी ए पी को रिप्रेजेंट करता ही है। तो हमें कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करते हैं, अब n की वैल्यू 1, 2, 3 पुट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, an = हमारे पास है 4n - 1, ठीक है। तो अब n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो n की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो a1 = क्या होगा, 4 × n की वैल्यू 1 है -1, तो 4 - 1 = कितना हो गया, 3। अब a2 सेकेंड टर्म, तो 4 × n की वैल्यू कितनी है, 2, n की वैल्यू 2 है -1, तो 4 × 2 = 8 - 1 कितना हो गया, 7। a3 मींस थर्ड टर्म, n की वैल्यू हमने 3 रिप्लेस किया तो = 4 × यहाँ भी n की वैल्यू 3 रिप्लेस करेंगे, -1 तो अपने जगह पे है ही, तो 4 × 3 = 12 - 1 कितना हो गया, 11 हो गया, राइट। इसी तरह एक और टर्म ले लेता हूँ, a4 = कितना होगा, 4 × n की वैल्यू 4 है -1, 4 × 4 = 16 - 1 तो ये कितना हो गया, 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीक्वेंस हमारा क्या बन के आ गया, देखिए फर्स्ट टर्म हमने क्या निकाला, 3, सेकेंड टर्म कितना है 7, थर्ड टर्म कितना है 11,
और फोर्थ टर्म कितना है 15। इस तरह जितनी भी वैल्यू आप n की डालते जाएंगे 5th, 6th, 100, 200, तो वो सीक्वेंस निकल आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सीक्वेंस, ये जो एक an इक्वल्स टू 4n-1 दिया हुआ है, ये पर्टिकुलर किसी AP को रिप्रेजेंट करता है और n की वैल्यू हम 1, 2, 3 पुट करके वो हम AP निकाल सकते हैं। तो वही यहाँ पे n की वैल्यू 3+4n दिया हुआ है, तो इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम AP निकालेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे प्रूव कर शो करना है कि वो जो सीक्वेंस निकलेगा वो AP में है या नहीं। तो AP में है या नहीं कैसे पता चलता है दोस्तों, हमने बार बार डिस्कस किया कि AP का मतलब है कि उनके कॉमन डिफरेंस जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, राइट। उनके बीच एक पैटर्न होता है, तो अगर एक फिक्स पैटर्न है तो इसका मतलब वो AP में है। तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, an इक्वल्स टू 3+4n दिया हुआ है, तो n की वैल्यू पहले 1 पुट करता हूँ, तो a1 इक्वल्स टू क्या होगा 3+4 इंटू n की वैल्यू 1, तो क्या होगा 3, 4 1 जा 4 और 3 7, राइट। ए टू इक्वल्स टू 3+4 × 2, तो 4 2 जा 8 3 11, ये हो गया 11। ए थ्री इक्वल्स टू 3+4 × 3 इक्वल्स टू कितना होगा 4 3 जा 12 और 3 15। ए फोर इक्वल्स टू क्या होगा 3+4 × एन की वैल्यू हमने क्या पुट किया 4, तो 4 4 जा 16 और 3 19। तो देखिए सीक्वेंस हमारा क्या बन गया, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एपी, ठीक है, क्या बना 7 11 15 19, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, पहले हमें क्या प्रूव करना है कि ये एपी में है, ठीक है। तो हमारे पास जो ये निकला है A1, अब देखते हैं हमारे पास A1, A2, A3, A4 निकल आया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या प्रूव करना है कि ये AP में है, तो AP में कैसे पता चलता है, तो A2 - A1 निकालते हैं, तो A2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 11-7, तो 11-7 इक्वल्स टू 4। एक और निकाल लेते हैं, तो A3 - A2 इज इक्वल्स टू 15-11, क्योंकि A3 की वैल्यू हमें 15 है और A2 की वैल्यू 11 है। देखिए ऐसे समझिए, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो देखिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो इनके बीच के डिफरेंस सारे डिफरेंसेज जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, वही कॉमन डिफरेंस है। तो इसी तरह हमने किया A3 - A2, तो यहाँ पे कितना होगा, ये भी 4 निकल आया, ठीक है। तो हम लिखेंगे बिकॉज A3 - A2 इज इक्वल्स टू A2 - A1, देयरफॉर इट्स इन एपी, ये एपी में है, ये तो हमें पता चल गया कि ये एपी में है। तो अब देयरफॉर रिक्वायर्ड एपी क्या हो गया हमारे पास, 7 11 15 19, ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब क्या कहता है कि अब यहां पे आते हैं कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो अब देखिए सीक्वेंस हमें पता है, दैट मीन्स ए पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है और 51 टर्म मतलब n की वैल्यू भी पता है, तो हम सम तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हमें s51 निकालना है, तो sn का फॉर्मूला लगाएंगे, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 51, तो 51/2 2 into a, a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n की वैल्यू 51 है, तो 51-1 और इंटू d की वैल्यू कितनी है दोस्तों 11-7 4, 51/2 7 2 जा 14, 51-1 कितना होगा 50 × 4, तो 51/2 × कितना हो जाएगा, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 200 और 14, तो 214, इसको हम कैंसिल करते हैं तो 2 1 जा 107, तो 51 × 107, इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 107 को 51 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होगा 107 और 5 35 7 5 4 5, तो ये हमारा निकला है 5 4 5 7,
तो ये हमारा आंसर निकला है S51 टर्म का, ये सम 5457 निकल के आ गया। ठीक है, तो इसी तरह हम सेकंड पार्ट करेंगे। ये हमारे पास ये जनरल टर्म दिया हुआ है, ये जनरल टर्म दिया हुआ है ए एन की वैल्यू, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है, और सीक्वेंस जब हमारा ए पी पता चल जाएगा तो फिर हम इसी तरह सम निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ता हूँ आपके लिए, आप इसको